नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। नर्स की नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवती के साथ ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। पीड़ित युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी ठग को गिरफ्तार किया है। एएसपी धर्मवीर यादव के मुताबिक कोटरा निवासी नीतू ने चाणक की पुरी निवासी सुरेंद्र मानेश्वर की शिकायत की थी, जिसमें नर्स की नौकरी लगवाने के नाम पर उसे 1,20,000 रुपये ऐंठने का आरोप लगाया था। दोनों के बीच 1,70,000 रुपए का सौदा हुआ था, लेकिन पैसे मिलने के बावजूद भी सुरेंद्र मानेश्वर युवती की नौकरी नहीं लगवा पाया और बाद में पैसे वापस देने से भी इनकार करने लगा। कमलानगर क्षेत्र में एक नौकरी दिलाने के नाम पे ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मूलतः बालाघाट का रहने वाला है। बालाघाट में रहने वाली दो जो प्राइवेट नर्सिंग होम में नर्स का काम करती थी, उन महिलाओं को उसने कॉन्फिडेंस में लिया और उसको ये उम्मीद जगाई कि उसको सरकारी नर्स की नौकरी दिलवा देगा। दोनों महिलाओं से अलग अलग अंतराल पे उसने 50,000 रुपये, फिर 50,000 रुपये, फिर 20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे गए हैं। तो ऐसे रैकेट को पकड़ा गया है जिससे कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बेरोजगार युवक या युवतियाँ हैं, जिन्हें नौकरी के नाम पे चंगुलों फंसाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ आज।